इधर आ जा, इधर आ जा। ये मस्ती बहुत करते हैं हमारे दोस्त। आजकल इन्होंने एक नया काम स्टार्ट किया हुआ है। ये थोड़े लड़ते हैं अभी। जब भी अपनी बेख्याली हम खड़े होते हैं, ये अचानक आके पीछे से मारते हैं। इनके फीमेल के हमने पहले चेक करे थे तो 12 से 13 इसके अंडे थे, और अभी मैंने चेक किया तो इसके अंडे कुछ ज़्यादा हो गए। लगता है ये अभी भी अंडे यहाँ पे दे रही हैं बैठ के। चलो देखते हैं कितने अंडे इसके हो गए। ये तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अंडे इसके हो गए। अभी भी लग रहा है कि इन्होंने मज़ीद अंडे दिए हुए हैं। मेरे ख्याल से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 इसके अंडे हो गए। और 5 अंडे हमने आपको बताए थे कि हमने किसी और मुर्गी के नीचे दिए, वो भी ज़ाया हो गए। उनमें से कोई बच्चा वगैरह नहीं हुआ, सारे अंडे ख़राब निकले। ये अंडों में बैठती हुई है और साथ में जो है ना अंडे और मज़ीद भी देते हुए जा रही है। आज अपने रेपोर्टों का थोड़ा हाल मालूम करते हैं। ये इधर बैठा हुआ अपना दोस्त, सबसे बड़ा बैठा हुआ है। ये सारे नीचे बैठे हुए, देखना बाहर गर्मी का टेम्परेचर थोड़ा हाई है और इसलिए ये सारे यहाँ पे आके अपने जगह में बैठे हुए हैं। अंदर अंदर बैठ गए हैं सारे। ये इधर बाहर बैठा हुआ है। नए वाले दोस्त, ये सारे बर्ड्स इधर जो हैं, इन तोतों का अच्छा खासा हमने रेंज यहाँ पे मंगवाया है। और इनकी देखें सेटअप, हमने नॉर्मली एक सेटअप यहाँ पर लगाया है और काफ़ी सारे मटके भी हमने इनके लिए मंगवाए हैं। और मैंने यहाँ पे अभी नोट करा था, तकरीबन मेरे पास जो है ना 10 पेयर हैं, उनमें से 3 शॉर्ट हैं यहाँ पे। बाद में मैंने जाके मालूम किया, पता चला कि यहाँ से एक थोड़ी सी जगह लगी हुई थी, उस जगह से ये सारे यहाँ से भाग गए नीचे। इतने प्यारे खूबसूरत कलर इनके माशाल्लाह। ये सबसे अकेला थे बेटा। ये डव के साथ डव के दोस्त आ गए हैं। ये छोटे नन्हे थे, अभी थोड़े बड़े हो गए हैं। अभी ये डव के थोड़ा पहले अकेलापन था, अभी इसके दोस्त आ गए। वो सारे कबूतर वगैरह इनसे लड़ रहे थे, ये अभी खामोशी के इसके साथ बैठे हुए इधर। ये आ गए हैं छोटे छोटे बच्चे इनके। ये एक दो माह के अंदर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। ये हमारे दोस्त इधर बैठे हुए, इस कबूतर ने हमारे पास तो कमाल ही कर दिया है। ये मेरे पास तकरीबन अभी जो है 2 महीने के अंदर इन्होंने 4 दफ़ा ब्रीडिंग करी है और चौथी मरतबा ये देखें इधर आके अंडों में इधर बैठ गए ये। और लास्ट टाइम जो है ना इसका अभी यही बच्चा है, अभी तक जो है घोंसले से बाहर निकला भी नहीं है। एक ही था, एक अंडा था, वो इसका मिस हो गया। ये भी जो तैयार हो गया उसमें अंदर से निकल बाहर निकल बाहर निकल के देखते हैं कैसा है। माशाल्लाह बिल्कुल वाइट कलर है। ये इसके साथ बैठा हुआ इधर लड़ने के लिए तैयार है। बोलते हाथ नहीं लगाओ, हाथ नहीं लगाओ, हाथ नहीं लगाओ। ये रे हाथ लगा दिया हमने इसको। और ये वाली यहाँ बैठ गई है, इसका अभी एक ताज़ा बच्चा बाहर निकल के आ गया। ये भी लड़ रहा है यार, इसके भी कितने 2 अंडे इसके नीचे अभी भी हैं। ये भी माशाल्लाह बहुत स्पीड में जो है ना ये बढ़ रहे हैं। ये इसका मेल है, ये रहा, ओह मस्ती कर रहे हैं भाई। मैंने बात ही करी, लड़ रहा नहीं आपसे। हाँ हाँ मस्ती में आ रहा है। आ जा इधर आ जा,
आजा आजा, ये आ गया। ओ इस ब्लैक वाली का, ये देखें ये पट्टा है इसका, ये बच्चा है, ये लड़ नहीं रहा है। और वाइट वाली का आपको मैंने बताया था, इसका बच्चा ये रहा जो फर्स्ट टाइम हमारे पास इन्होंने दिया था, दो थे, एक हमारे पास चला गया कहीं, और एक ये रहा इसका। और इसका जो दूसरी मरतबा जो इसका इन्होंने बच्चे दिए थे वो इसके मिस हो गए, थोड़े बड़े हो गए लेकिन वो बच नहीं सके, मर के सारे। आपने इस डव का जो आपने शायद इस पर थोड़ी सी तवज्जो नहीं दी है, मैं आपको दिखाता हूँ। इन्होंने एक जो ना नया काम स्टार्ट किया हुआ है, हटो हटो इधर से, हटो थोड़ा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये देखें आप, छोटी सी लकड़ियों के टुकड़े यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखें लकड़ियों के टुकड़े हैं। इन्होंने अपनी अपना घोंसला जो है ना इधर बनाने का प्रोग्राम बनाया हुआ है, पहले से ही इन्होंने अपनी अपना जहन फिक्स कर दिया कि मुझे घोंसला इधर ही बनाना है। और यो जो उसके दोस्त आए हुए नए छोटे पट्टे, थोड़ी कुछ ही टाइम के बाद फिर तैयार हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। ये डब के बच्चे हैं, अभी छोटे हैं थोड़े, एक माह के बाद जो है ना माशाल्लाह अपनी पोजीशन में आ जाएंगे। तो इसी हिसाब से इसने पहले से ही माइंड बना दिया कि मेरी जो है ना इनके साथ बनने वाली है, और इधर ही इनको अंडे यहाँ पे दिलवाने हैं। देखते हैं ये क्या करते हैं आगे चलते।